भगवान का गीत चल रहा है और अब अपने इस गीत के अगले हिस्से में प्रभु कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्ति मामृतिं चैव योगिनः प्रयातायां तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल अर्थात मार्ग को अब मैं कहता। मृत्यु उपरांत कोई जीव है जो फिर पुनः जन्म पाएंगे और मृत्यु उपरांत कोई जीव है जो पुनः फिर जन्म नहीं पाएंगे। तो जन्म होना और जन्म का ना होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मृत्यु किस काल में होता। देखिए, पिछले श्लोकों में चर्चा करते हुए जब भगवान ये कह रहे थे कि जो मुझे जान लेता है उसका पुनः जन्म नहीं होता, और हमने खूब व्यंग उड़ाया और कहा कि अरे जन्म तो कभी भी नहीं हुआ था, पर याद रहे जिस तल पर मैंने उस बात को कहा था उस तल पर बात वह सत्य ही है कि कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, पर जिस तल पर आप हैं उस तल पर जन्म भी है और मरण भी है। जैसे अभी तुम्हारा जन्म तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ है, क्या तुमने चुने थे अपने माँ बाप? क्या तुमने चुना था कि मैं इस घर में पैदा हूं? क्या तुमने चुना था कि मैं इस गोत्र, इस नक्षत्र, इस ग्रह में मेरा जन्म हो? ग्रह नक्षत्रों का जगत भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। प्रायः ज्योतिषी जो इसका बहुत गहरा ज्ञान नहीं रखते हैं वो मात्र ये देखते हैं कि किस लग्न में पैदा हुआ, और बड़ी बात यह देखने की होती है किस नक्षत्र में पैदा हुआ। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि अगर उन नक्षत्रों में जन्म हो तो निश्चय ही वो योगी ही होगा, क्योंकि योगी लोग ही उसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, भोगी उसमें पैदा हो ही नहीं सकते। आपका जन्म अगर किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ है जिस नक्षत्र के प्रभाव में आपकी सोच, आपकी अकल, आपकी शकल सब कुछ प्रभावित होती है। कुछ नक्षत्र पापकारी हैं, कुछ नक्षत्र पुण्यकारी हैं, कुछ नक्षत्र सात्विक हैं, कुछ नक्षत्र राजसिक हैं, कुछ नक्षत्र तामसिक हैं। पर इसमें भी फिर बड़े खेल हैं। जिसको हम कहते हैं कि ये तामसिक नक्षत्र है, पर जब इसी नक्षत्र का पहले पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, चौथे पाद में चार हिस्से होते हैं, चार डिग्रीज होती हैं इसकी, एक डिग्री में वो तामसिक है, दूसरे डिग्री में सात्विक है, तीसरे डिग्री में राजसिक हो जाएगा। किस नक्षत्र के किस पाद में जन्म हुआ? एक बार मैं ऐसे ज्योतिष के शौक रखने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ बैठे, चर्चा यही हो रही थी, तो उस समय ट्रांजिट में जो ग्रह नक्षत्र उस घड़ी, उस जगह, उस काल में जो उस समय ग्रहों की और नक्षत्रों की स्थिति थी, तो स्पष्ट दिख रहा था कि इस समय पर जो जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमार रहेंगे, पिता के लिए रोग कारक होंगे, पिता के मृत्यु के कारक होंगे। करते 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 रिसर्च हो रही थी, ओपिनियंस चल रहे थे, तो फिर ट्रांजिट, फिर वो वक्त तो चल रहा है, वक्त ठहरा थोड़ी है।
समय चल रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, इस जोडियक का साइंस के आगे आगे ये जैसे जैसे ग्रह आते जाते हैं, राशियां बदलती जाती हैं, अब उसमें फिर एक ऐसा समय आया कि इस समय में अगर किसी का जन्म होगा तो वो मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना हो जाएगी। तुम जैसे भी हो, इसके पीछे बहुत से कारण काम कर रहे हैं। तुम्हारे होने के पीछे यहां तक कि तुम्हारा शरीर कैसा होगा, तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी, तुम्हारी सोच कैसी होगी, ये सब चीजों का निर्धारण आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको जन्म उस समय, उस घड़ी, उस पल पर ही होगा, दूसरे में होगा ही नहीं। जितना महत्वपूर्ण आपका जन्म का काल होता है, क्योंकि जिस घड़ी में तुम्हारा जन्म होना है उस घड़ी में पैदा हुआ इंसान का तन मन बुद्धि प्रभावित होने वाली, दे आर गोइंग टू बी शेप्ड अप लाइक दैट। मघा नक्षत्र हो, सूर्य लग्न में हो, ऐसा जो व्यक्ति पैदा होगा ये समझिए राजाओं जैसे गुण रखेगा। उसकी त्वचा गोरी होगी, कद लंबा होगा, और अगर कहीं साथ में मंगल की भी एक उचित जगह से दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं भी चला जाए हमेशा अग्रिम पंक्तियों में रहेगा, हमेशा कमांडर रहेगा, वो किसी के पीछे रह ही नहीं सकता, हुक्मरान होगा, लास्ट कभी नहीं होगा, सेवक कभी नहीं होगा। किस घड़ी, किस पल, किस मुहूर्त में आपका जन्म होता है यह एक अंधविश्वास नहीं, यह एक विज्ञान है, और जिन्हें इस विज्ञान की समझ है उन ऋषियों ने तो यहां तलक कह दिया था कि स्त्री और पुरुष संभोग किस समय करें, किस समय वो गर्भाधान करें, क्योंकि किस समय जन्म हुआ उससे भी ज्यादा कीमती वक्त वो है जिस समय पिता ने अपने बीज को माता के गर्भाशय में रखा, वो काल उससे भी ज्यादा कीमती। तो पैदाइश से भी ज्यादा तुम्हारा गर्भाधान का समय कीमती, और गर्भाधान का अगर समय कीमती है, देखिए ये बड़े विषय अपने आप में बहुत विस्तृत हैं और हम उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ जो जीवन का ये विज्ञान है इसके विषय में मैं इसलिए बात कर रही हूं ताकि अब जो स्त्री और पुरुष माँ पिता बनने की चाह रखते हों तो वो अवश्य ही किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठें और उनसे पूछें कि किस समय पर मुझे गर्भाधान करना चाहिए और उसके पूर्व मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। और सच तो ये है, यू कैन कस्टम मेड योर चाइल्ड। योगी चाहिए तो योगी पैदा होगा, राजा चाहिए तो राजा पैदा होगा, भोगी चाहिए तो भोगी पैदा होगा, विद्वान चाहिए तो विद्वान पैदा होगा। इसमें हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विधान बनाया जाता है कि जिस विधान में वैसी जीव आत्माएं ही आकर्षित हो और वैसी जीव आत्मा ही गर्भ में प्रवेश करे जिस समय पर उनको होना चाहिए, या कौन सा समय है जिसमें हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। इस संसार में एक जीव को जन्म देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और अगर स्त्री पुरुष चाहें तो ऐसी संतान को पैदा कर सकते हैं जो संत हो, जन्म से ही बुद्धत्व को प्राप्त हो। उदाहरण है आपके सामने, संत ज्ञानेश्वर के माता और पिता इस परंपरा को जानते थे, इस विज्ञान को समझते थे, और इन्होंने चार संतानें उत्पन्न करी और चारों संतानें योगी हुई,
चारों संतान योगी हैं। तीन भाई एक बहन, मुक्ता, सोपान, ज्ञानेश्वर और सबसे बड़े निवृत्तिनाथ। कैसी जीवात्माओं को उन्होंने आमंत्रित किया होगा, कैसा उन्होंने अनुष्ठान किया होगा, कैसा उन्होंने विधान किया होगा कि निवृत्तिनाथ अभी सिर्फ 8 साल के थे कि स्वप्न में गुरु मच्छेंद्रनाथ दर्शन देते हैं और स्वप्न में उनकी मंत्र दीक्षा होती है। स्वयं गुरु मच्छेंद्रनाथ उसके स्वप्न में आते और उनकी दीक्षा देते और फिर उसको आदेश देते हैं कि अब तू अपने छोटे भाई ज्ञान और सोपान इनको भी जगाओ और अब इनको भी मंत्र दीक्षा दो, तुम इनके गुरु होगे। नींद से ये नन्हा बालक उठता है, अपने भाई बहनों को उठाता है, अपना स्वप्न बताता है और कहता है कि मुझे स्वप्न में मच्छेंद्रनाथ जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने दर्शन दिया है और आदिनाथ महादेव जी का आदेश है और उन्हीं के आदेश और अनुकंपा से उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया है। बाकी दोनों तीनों भाई बहन प्रणाम करते हैं। अरे वाह, क्या मैंने ये छोटे छोटे बच्चों को ये सब योगियों का पता है, महादेव जी का पता है और स्वप्न में दीक्षा भी होती है इसका भी पता। और फिर वो कहते चलो अब तुमको हम दीक्षा देंगे। बड़ा भाई छोटे भाइयों को दीक्षा दे रहा है। क्या अनुष्ठान किया होगा ज्ञानेश्वर के माँ पिता ने? तो किस काल में तुम्हारा गर्भाधान होता है, किस काल में तुम्हारा जन्म होता है, जैसे यह महत्वपूर्ण हुए है, इसी तरह से तुम्हारा मृत्यु किस घड़ी, किस काल, किस मुहूर्त में, सुबह में, रात में कि शाम में, किस समय तुम्हारी मृत्यु होती है, वह मृत्यु निश्चित करेगी तुम्हारे अगले जन्मों की गति के विषय में। श्री कृष्ण कहते हैं एक गति वो है जिसमें लौट के वापिस आ जाएगा और एक मृत्यु वो है कि जिसमें मरा तो फिर लौट के वापस किसी शरीर में नया घर नहीं बनाएगा। एक मृत्यु वो जिसमें वापिस लौट के आने का रास्ता भी तैयार खड़ा है। पर याद रहे जैसे चुंबक, एक भारी चुंबक लोहे की रेंज में आ जाए तो वो छोटे छोटे जितने लोहे के कील हैं, जो भी कोई लोहे की वस्तुएं हैं, मैग्नेट के उस रेंज में आते ही वो सब कीलों को अपनी ओर चिपटा लेगा। और मैग्नेट हटा दीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक कांच के टुकड़े के नीचे कुछ कील रख दीजिएगा, एक मैग्नेट उसके ऊपर रखिए। स्कूलों में ही एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं। आप मैग्नेट को ऊपर उसके लाइए, सब कीलें खड़ी हो जाती, चुंबक खींच रहा है उसको, और आप चुंबक को किनारे ले जाइए, सब कीलें नीचे गिर जाती। कीलों को कोई पता है कि ये उनको कौन उठा रहा है? कीलों को कोई पता नहीं, कीलों की कोई मर्जी नहीं है। ये लोहे के कील, दिस आयरन नेल्स आर बींग लिफ्टेड अप बाय द पावर ऑफ मैग्नेट एंड आर बींग ड्रॉप्ड डाउन विद द पावर ऑफ मैग्नेट। नेल्स हैव नो से इन दिस। कीलों की कोई मर्जी नहीं पूछ रहा है, सारा खेल चुंबक का है। इसी प्रकार से सारा खेल तुम्हारे मन का है। तुम्हारे मन में उठी तरंगों की वजह से जो कर्म आपके द्वारा हुए, उन कर्मों का शुभ फल देने के लिए अब ये कर्म रूपी मैग्नेट काम कर रहा है। कभी ये तुमको खड़ा कर देगा जिंदगी में और कभी ये तुम्हें गिरा देगा। सत्य तो ये है। धार्मिक स्थान तक पहुंचाया भी तुमको तुम्हारे पुण्य कर्मों ने है। पुण्य कर्मों के चुंबक ने अपना काम किया और तुम्हारे मन में सात्विक विचार आने लग गए, गुरु अच्छे लगने लग गए, आश्रम अच्छा लगने लग गया, आ गए। और यही जब पाप कर्म को भोग देने का वक्त आएगा, वही गुरु होगा, वही मंदिर होगा, वही आश्रम होगा, तुम्हारा मन हट जाएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, जब तलक पुण्यों का पुंज उदय न हो तब तलक संत मिलते नहीं। पुण्यों के उदय होने का फल है किसी संत किसी महात्मा से मुलाकात तुम्हारी हो जाएगी। अगर पुण्यों के उदय होने पर संत मिलता है तो पाप के उदय होने पर संत से दूरी भी तो हो सकती है। अब क्या करे क्या करे, तो इसमें ज्ञानियों ने तोड़ ये दिया, ज्ञानियों ने ये एक तरीका ये दिया कि ठीक है, कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है, कर्मों का ये चुंबक अपना काम कर रहा है, हम अपने किए हुए कर्मों को याद करना भी चाहे तो हमें याद कहाँ आएंगे, और कितने कर्म कर चुके, पुरानी कहानी छोड़िए इसी जन्म को देख लो, कैसे कैसे कर्म हो जाते, न चाहते हुए कभी किसी का दिल दुखा दिया, न चाहते हुए कभी किसी के सामान पर नजर रख लेते हो, न चाहते हुए झूठ बोल जाते हो, न चाहते हुए और कई बार चाहते हुए व्यक्ति से ऐसे कर्म हो जाते हैं। और उन लोगों का क्या कहें जिनके जीवन में न सत्संग है न संत है न गुरुजन है कोई, उनके जीवन में तो कोई हिसाब ही नहीं है कि कैसे कैसे कर्म होते। 50 रुपए के लिए चाकू मार देते हैं, 100 रुपए के लिए अपनी माँ का गला घोट देते हैं, पैसे के लिए अपने बाप का कत्ल कर देता है, पैसे के लिए अपने मित्र को कत्ल कर देता है, कैसे कैसे कर्म विकट होते हैं इंसान से। अच्छा भाई, पुण्य कर्मों से संत मिल गए तो अगर संत मिल जाए और तुमको ये सद्बुद्धि और ये ज्ञान तुम्हें श्रवण करने को मिल जाए कि ये अवसर है मेरे पास, मेरे पुण्यों ने मुझे संत तक पहुंचाया, अब इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं और जी भर के साधना कर लूं, जी तोड़ साधना कर लूं, संत का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को इतने सत्व गुणों से मैं भर लूं कि ये जो मेरे पाप कर्म अगर कोई जगह भी तो उसका प्रभाव मुझ पर ना आए। मैं फिर कह दूं, किसी की लॉटरी खुले और उसे मालूम हो जाए कि मेरी लॉटरी खुल गई और पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयां बट गईं और डांस पार्टियां हो गईं और सब कुछ, तो एक हफ्ते बाद जो कलेक्ट करने के लिए जाना था और उसके पहले अगर अपनी टिकट गंवा ले तो लॉटरी निकली, नंबर मैच कर गया, करोड़ रुपए का धन मिलेगा, करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, बड़ा खुश है। पर अगर इस बीच में उसने अपना टिकट गुम कर लिया या फट गया या किसी बच्चे ने फाड़ दिया या अपने से गलती से गुम हो गया तो क्या करोड़ रुपया मिलेगा? लॉटरी वाले कहेंगे टिकट दिखाओ, पैसा ले जाओ, टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं। तो पुण्य के प्रताप से अगर संत मिल जाए, संत से मुलाकात हो जावे, तो फिर उस घड़ी को एक लॉटरी का टिकट जाने और उसको बहुत संभाले, उसे बहुत संभाले और बहुत मन लगा के सीखे और बहुत मन लगा करके प्रार्थना करे कि प्रभु ये जो मुझे अवसर मिला है ये मेरा लॉटरी का टिकट कहीं गुम ना हो जाए, ये मेरा टिकट गुम नहीं हो जाए। ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया कि कभी कभी जो मन में संशय उठ जाते हैं कि हम ठीक तो कर रहे हैं, देखिए गुरु पर भी संशय आ जाते हैं, कभी कभी अपने पर भी संशय आ जाते हैं, तो ये जो संशय जगते हैं ये संशय किन्हीं पाप कर्मों की पदचाप है जो संशय मन में उठा रहा, आलस्य प्रमाद। श्रीमद् भागवत कहते हैं ये भी पाप कर्मों की वजह से आता है, बंदे को आलस आता रहता है, पता है कि उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पर फिर भी करता नहीं, क्यों? आलस आ रहा है, नींद आ रही, कोई नहीं आज सो जाओ कल कर लेंगे। बोले क्या ये सिर्फ आलस्य है
नहीं है, सिर्फ आलस्य नहीं है, ये व्यक्ति का कोई पाप कर्म उदय हो रहा है इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो रही। बुद्धि को संभाले। तो उस वैष्णव में एक बहुत प्यारी प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना को मैं आपके लिए गाती हूं, आप मेरे संग गाओ। इस प्रार्थना में भक्त यही भाव दे रहा है कि प्रभु हमें पता नहीं हमारी बुद्धि हमें कब भटका दे, तो कृपया हमारे पर दृष्टि रखिए और हमें संभालिए, हम इस पथ पर चलते रहें, हम मार्ग च्युत ना हो जाएं, हम योग भ्रष्ट ना हो जाएं, हम अपने गुरु से दूर ना हो जाएं, हम अपनी इस साधना को आलस्य और प्रमाद के कारण कहीं छोड़ ना जाएं। तो प्रभु कृपा कीजिएगा, आपकी कृपा से जो थोड़ी सद्बुद्धि थी तो पुण्य हुए होंगे, तो पुण्य के प्रसाद से ये सब कुछ मिला है, तो इस मिले हुए प्रसाद का कहीं मुझसे अनादर ना हो जाए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। श्वासों में तेरा ही नाम प्यारे, श्वासों में तेरा ही नाम प्यारे, दिन रात मनवा तुझी को पुकारे, दिन रात मनवा तुझी को पुकारे। माधव मेरी यह प्रार्थना है, माधव मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। सुबह तुझी से, संध्या तुझी से, दुख में तू ही, सुख में तू ही, दुख में तू ही, सुख में तू ही, शरण तुम्हारा।
भूलूं ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यहाँ प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा। अग्निर ज्योति रह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। ज्योतिर्मयी अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी है। उत्तरायण के यह छह महीनों का जो अभिमानी देवता है उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते। शुक्ल पक्ष, शुक्ल कहते उज्जवल, उज्जवल पक्ष। मृत्यु उपरांत दो मार्ग, एक को कहा उत्तरायण, एक को कहा दक्षिणायन। उत्तरायण मार्ग जो है इसके और दक्षिणायन मार्ग के जो भेद हैं, अब श्री कृष्ण उन भेदों की ओर इशारा दे रहे हैं। जिस मार्ग का देवता सूर्य है, दिन का अभिमानी सूर्य है, अग्नि जैसी ज्योति है जिसके भीतर शुक्ल पक्ष होता है, और ऐसे छह महीने, ऐसे उत्तरायण काल के छह महीने होते हैं। इन छह महीनों में जिनके श्वास छूटते हैं, किनके? ब्रह्मवेताओं के। किनके? ब्रह्मवेताओं के। जिसने ब्रह्म को परोक्ष रूप से जाना हो, जिसने ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से जाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो ब्रह्म ज्ञान का साधक है, जब वो इन उत्तरायण इस शुक्ल पक्ष में शरीर को त्यागता है, तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है।